की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। गाइस, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, सो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन में आने के बाद एक प्लस पे क्लिक करके मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो फोल्डर में आपका फोटो, अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको फोटो एड करना है। एक फोटो ऊपर लोड पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना, शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेज में एक्सपोर्ट करके यहाँ पे आपको सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, मतलब सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है। सो गाइस, फिर आपको यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर इस फोटो को सेलेक्ट करके डिलीट करना है एंड फिर से प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को एड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पेज में सेलेक्ट करके सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसा एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको फिर से सेव वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, फिर बैक आना है, यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करके डिलीट करना है और इस प्रोजेक्ट से आपको बैक आ जाना है। इस प्रोजेक्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो। फिर आपको सिंपली बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे ना एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है विक्टोरिया कैट, ये आपको मटेरियल्स वाले लिंक में मिल जाएगा जहाँ पर आपको सॉन्ग भी मिल जाएगा। अगर सॉन्ग डिलीट हो जाता है तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सॉन्ग मटेरियल्स करके एक लिंक मिलेगा, आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो फोन इंपोर्ट कर लेना। आई होप कि आपको फोन इंपोर्ट करना आता ही होगा। तो गाइस फोन इंपोर्ट कर लेना, उसके बाद आपको सिंपली इस प्रकार से आगे चले आना। ओके, तो यहाँ पे आपको 10 सेकंड पे एक लेयर दिख रहा होगा, न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आपको अपनी फोल्डर सेलेक्ट करना है और ध्यान से आपने जो फोटो को क्रॉप किया है, तो हमने अलाइट मोशन से फोटो क्रॉप किया है तो वो अलाइट मोशन फोल्डर में जाएगा, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और दो फोटो को हमने क्रॉप किया था, उसमें से जो आप पहला फोटो यूज करना था उस फोटो को सेलेक्ट करके सिंपली ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो इस प्रकार से आपका जो है ना एड हो जाएगा। ओके, एंड गाइस फोटो जैसे आपका एड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको आगे जो लेयर दिख रहा है 12 सेकंड से छोटा छोटा लेयर, आपको इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है और आपका जो दूसरा फोटो है जिसको आप यूज करना चाहते हो, तो पहला फोटो हमने यूज कर लिया वो एक ही लेयर में यूज होगा। ओके, तो जहाँ पे हमने अभी यूज किया वो एक ही लेयर में यूज होगा। अब जो दूसरा फोटो है हमारा, उसको हम यूज करेंगे। ओके, उसको सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा एंड फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है, सेम वही फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, एंड फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके। ओके, फिर यहाँ पे आपको वही फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है। ओके, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके आपको वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो वह जैसे कि आप लोग देख सकते, ये इमेज बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा ये नीचे नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली आपको इसी प्रकार से अपनी फोटोज़ को है ना यहाँ पे ऐड करते रहना है। ओके, तो वही सेम फोटो को ऐड करना है, तो लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है, वही सेम फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ऐड करते रहना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है और टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो इस प्रकार से जैसे कि आप लोग देखते हो, जितना भी लेयर है लास्ट तक सभी लेयर्स में आपको वही फोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जल्दी मैं सही फोटो मतलब लेयर्स में फोटो को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देखते हो वही प्रोसेस था, तो मैंने फोटो ऐड कर लिया है और गाइस ये फोटो में थोड़ा सा क्वालिटी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, बाकी जो भी ठीक ही रह गया। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सो यहाँ से आपको बैक आना है, फिर सेकंड फेट प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के चारों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल डबल आइकन पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर करना है और यहाँ से बैक आना है, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे जो टैक्स है इसको छोड़ देना है और यहाँ पे जहाँ पे आपका फोटो स्टार रहा है यहाँ पे आ जाना है और डबल डबल आइकन पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना है, फिर आपको सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है
ओके, और इन चारों लेयर को सिलेक्ट करके सिंपली डब्बे वाला इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, इसका लेंथ लास्ट आ जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पे जो ना दो कलर होता है, तो ये कलर अगर आपको पसंद नहीं पड़ रहा है, इसको चेंज करना है तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, ऊपर टॉप पर जो दूसरा लेयर है ना, दो नंबर पर लेयर, नीचे से तीन नंबर पर, ऊपर से दो नंबर पर जो लेयर है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक मतलब आपको इफेक्ट मिलेगा नीचे में चैनल RGB, इस पर क्लिक करना है। और ये जो सेकेंड नंबर का R लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सेकेंड नंबर का ये आप लोग दोस्तों, पहला नंबर पे R ग्रीन है, दूसरे नंबर पे G ग्रीन है, और तीसरे नंबर पे G ग्रीन है। तो दूसरे नंबर पे जो G ग्रीन है इसको बस आपको Y पे कर देना है, तो ये कलर में आ जाएगा। तो आपको जो कलर अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी और भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग दे सकते हो अपने हिसाब से, जो देख लेना जैसा आपको, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना आप कर लेना, जितना नहीं कर सकते वो ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना। ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, तो मैं यहाँ पे अच्छे से सबको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे इतना कर लेंगे, अब गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करना है। गाइस मैं बाद में फोटो चेंज कर दूंगा प्रीव्यू में, बिकॉज मेरे को इसका क्वालिटी ठीक नहीं लग रहा है। ओके, शेयर के आइकन पे क्लिक करके स्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।